नमस्कार दोस्तों, दिव्यांश मत्स्य स्टेशन में मैं आशा आपका सबका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए है क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स, न्यू यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी वीडियो वायरल नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी वजह है जिनकी वीडियो वायरल नहीं होती है? क्या वजह है? आपने कंटेंट भी बहुत अच्छा बनाया है, आपने लाइट वगैरह सबका यूज़ बहुत अच्छे से किया है, लेकिन फिर भी आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। इवन आपकी क्या, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए ही यूट्यूब पर, और वो अपनी वीडियो लिपसिंग के द्वारा, लिपसिंग सॉन्ग के द्वारा पोस्ट करते हैं और उनकी वीडियो वायरल नहीं होती हैं। 10, 15, 20, 25 व्यू के बाद वो जो वीडियो होती है वहीं पे स्टक हो जाती है, उस पर व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि वीडियो क्यों आगे बढ़ती नहीं है, क्यों उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं? व्यूज़ ना आने की वजह से सब्सक्राइबर भी आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब का टारगेट ही है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, मिलियंस में शॉर्ट्स में व्यू होने चाहिए, 4000 वीडियोस पे घंटे पूरे होने चाहिए। तो मैं आशा आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई हूँ जो कि मनोज भाई द्वारा बनाई गई है, और उसमें उन्होंने बताया है किस तरह से आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल करा सकते हैं। तो आइए चलिए उनकी वीडियो को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो आप प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप न्यू यूट्यूबर न्यू हैं, मैं भी एक न्यू यूट्यूबर ही हूँ, तो मुझे भी आपके सपोर्ट की उतनी ही ज़रूरत है। तो जो प्रोसेस उन्होंने बताया है मैंने भी फॉलो किए हैं। तो आप मेरी जो व्यूज़ आप मेरे चैनल पे जाके देखिए कि पहले बिल्कुल नहीं आते थे, अब थोड़े थोड़े आने स्टार्ट हुए हैं। मैं भी उसी तरह से वर्क कर रही हूँ, कैसे शॉर्ट अपलोड करने हैं, कैसे क्या टाइमिंग होनी चाहिए, SEO क्या होता है, ये सब आप मनोज जी के द्वारा इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको मैं ये वीडियो दिखाती हूँ। आप दोस्तों, अभी इस वीडियो के नीचे मेरा आपको नाम लिखा हुआ दिख रहा है, मनोज दे, और वहाँ पर आपको सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं 11 लाख कुछ। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है, मतलब मेरा जो है ये 11 लाख सब्सक्राइबर्स जो है, इससे पहले कभी तो जो है 100 सब्सक्राइबर्स तो था, कभी ऐसा था कि 20 सब्सक्राइबर्स थे, और कभी तो ऐसा भी हुआ था कि मैंने जब चैनल को एकदम न्यू क्रिएट किया था उस टाइम तो 0 सब्सक्राइबर्स था, मतलब एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं था। तो फिर गाइज, मैं जो हूँ अभी क्या हो रहा था, मैं अभी सो रहा था तो मेरे दिमाग में एक अचानक से एक सवाल आया, और आप सबका ये कमेंट भी मैं बार बार देखता हूँ कि आखिर जब नया हमारा चैनल हम यूट्यूब पर क्रिएट करते हैं तो फिर हम अपने वीडियोज पे व्यूज कैसे ला सकते हैं। हमें लगता है यार मैं कहाँ शेयर करूँ, व्हाट्सएप में शेयर करूँ, फेसबुक में शेयर करूँ, कहाँ, मतलब पूरा दिमाग लगाते हैं हम लोग कि कहाँ ऐसे जगह में मैं शेयर करूँ कि मेरे वीडियोज पे व्यूज आए, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान रहते हैं कि आखिर व्यूज़ आएंगे कैसे। और शेयर करते करते तो 200-400 व्यूज़ चलिए मैं लेके भी आ जाता हूँ, आप लोग लेके भी आ जाते होगा बहुत कोई, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, उस वीडियो से व्यू आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। आप जैसे जैसे शेयर करना बंद करते हो वैसे वैसे उसका व्यूज़ आना बंद हो जाता है। तो आप सबके मन में एक सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि यार व्यूज़ कैसे आता है, आखिर व्यूज़ आएगा कैसे। तो इसी चीज़ के बारे में दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आखिर मैं अपने व्यूज़ को स्टार्टिंग के टाइम में कैसे लाता था, जब मेरे 0 सब्सक्राइबर्स थे या फिर मेरे जब 10-20 सब्सक्राइबर्स थे, तो आखिर मैं व्यूज़ कैसे लाता था, मेरे वीडियोस पे व्यूज़ कैसे आना शुरू हुआ, और आज 11 लाख का सब्सक्राइबर्स बेस कैसे बना। ये चीज़ सुन करके आप लोगों को जो है थोड़ी सी क्या होगा कि थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा एक चीज़ की कि YouTube पे आखिर चलता क्या है, YouTube पे आखिर करना क्या होता है। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको YouTube से रिलेटेड ऐसी वीडियो जिस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही मुझे आप Instagram जरूर फॉलो करना, मेरा यूजर नेम है manojd23, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि YouTube पे आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने वीडियोज़ को शेयर करते हो, चाहे वो WhatsApp हो, Facebook हो, जो भी हो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हो, और उन्हें कहते हो कि मेरे वीडियोज़ को देखो, उनसे सब्सक्राइब करवाते हो, व्यूज़ आता है। आप लोग, मैं अपनी रियलिटी बताऊं तो गाइज, मैं कभी भी अपने वीडियोज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करता था। ये चीज़ मैंने पहले भी बताया है बहुत सारा वीडियो पर, मैं किसी को बताता ही नहीं था कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आप लोग बोलोगे यार जब आप मैं शेयर ही नहीं करता था तो आखिर व्यूज़ फिर इतना आता कैसे था, मतलब पहले स्टार्टिंग में कैसे आते थे, और आज 0 से फिर 1 मिलियन तक फिर कैसे मैं पहुंचा जब मैं किसी को शेयर ही नहीं करता था। गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को पता है मैं एक गाँव में बिलोंग करता हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ और गाँव में रहता हूँ, तो इसलिए मुझे जो है यूट्यूब के वीडियोज़ को शेयर करने में सबसे पहली बात तो मुझे खुद ही शर्म आती थी, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ उस टाइम नहीं समझते, अगर मैं शेयर करता तो वो समझते कि यार आखिर ये कर क्या रहा है,
क्या क्या वीडियो बनाता है अकेले में रूम पे, क्या बोलता है नहीं बोलता है समझ में भी नहीं आता है, क्या क्या करते रहता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा पागल भी लोग बोलने लगते कि आखिर ये करता क्या है, इसलिए मैं अपने वीडियोज को शेयर नहीं करता था। सेकेंड क्या है कि यहाँ पर जो है हम अगर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो स्टार्टिंग में लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं, उल्टा डीमोटिवेट करते हैं। आप अगर बोलो, मैं अगर उस टाइम बोलता कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ, मेरा व्यूज़ आएगा तो मैं पैसे कमाऊँगा, या फिर मैं अच्छा खासा एक मुकाम हासिल करूँगा, लोग मुझे पहचानेंगे, ठीक है, मेरा फैन बेस होगा, मेरा फैमिली होगा बहुत बड़ा, तो ये सब चीज़ अगर उस टाइम बोलता तो फिर वो विश्वास नहीं करते, ऊपर से वो जो है डीमोटिवेट करते कि यार जो यूट्यूबर बने हैं वो लोग बड़े बड़े घर से हैं, उनके पास अच्छा कैमरा है, उनके पास अच्छा माइक है, उनके पास अच्छा लैपटॉप है, वो एडिटिंग अच्छा जानते हैं, उनको अपलोडिंग करना अच्छा आता है, उनको यूट्यूब के बारे में नॉलेज है, उनके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे करके वो क्या करते, मुझे डीमोटिवेट करते। इसलिए गाइस मैं कभी भी अपनी वीडियोज़ को शेयर करता ही नहीं था, सबसे पहली बात। अब मैं बताता हूँ व्यूज़ आता कैसे था। तो सबसे पहली बात मैं क्या करता था, देखिए ये सब चीज़ें जो है खुद का सीक्रेट एक ट्रिक है जो मैं खुद अपनाया हूँ इस चीज़ को। सबसे पहले जब मैं अपने वीडियोज़ को अपलोड करता था तो मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट टाइम कि पेटीएम से पैसे कैसे कमाएं, इस तरह से कुछ एक वीडियो था। उस वीडियो को मैंने अपलोड करने के बाद जो है उसमें जीरो व्यूज़ था अपलोड करने के बाद, तो मैंने खुद ही अपने वीडियो को 10 से 15 बार देखा, फुल वॉच किया 10 से 15 बार खुद ही। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपनी वीडियोज़ को खुद देख सकते हो, तब तक देख सकते हो जब तक आपका मोनेटाइज चैनल नहीं हो जाता है, मोनेटाइज हो जाने के बाद आप नहीं देखना, वरना आपका इनवैलिड क्लिक होगा और आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज किया कर दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। लेकिन मोनेटाइज होने से पहले तक आप अपने वीडियोज़ को देख सकते हो। और एक काम करना, मैं अभी करता था ये चीज़ कि 4-5-10 जीमेल चाहो तो आप बना के रख लो, अलग अलग नंबर से अलग अलग नाम से। आप अपने फ़ोन पे 5 जीमेल खोल के रख लो, एक जीमेल जिस पे चैनल है उससे मत देखना। आप 4 जीमेल पे चेंज करते करते अपने वीडियोज को खुद ही एक एक जीमेल से 10-10 बार फुल वॉच करना। अपने फैमिली, फिर रिलेटिव्स में बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं या फिर फैमिली मेंबर्स में ही बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं, पापा का फ़ोन है, मम्मी का फ़ोन है, अंकल का फ़ोन है, सबके फ़ोन से अपने चैनल्स को खोलना और अपने वीडियोज को खुद ही देखना और फुल वॉच करना। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना, ऐसा करना। एक बार ये चीज़ ट्रिक ट्राई करके देखो। मैं ऐसा ही करता था, जब इस तरह मैं करता था, जब अपने खुद के वीडियोज़ को खुद ही वॉच करता था, मान लीजिए 20-25 बार मैंने फुल वॉच कर लिया, खुद से देखा, अपने पापा के फ़ोन से देखा, मम्मी के फ़ोन से देखा, फैमिली रिलेटिव्स के फ़ोन से देखा, 20-25 बार देखने के बाद उस वीडियो को छोड़ देता था। अब छोड़ करके जब मैं छोड़ देता था, एक दो दिन बाद मुझे मैं देखता था कि वहाँ पर खुद ही 4 व्यूज़ बढ़ गए हैं। कभी देखता था कि खुद से 10-15 व्यूज़ बढ़ गए हैं, और ऐसे करते करते कोई कोई वीडियो में 100 व्यू हो गया, कोई वीडियो में 200 व्यू हो गया। ये चीज़ मैंने खुद अपनाया है, मैंने कभी किसी को शेयर ही नहीं किया। इसी तरह से खुद ही व्यूज आते थे और खुद ही व्यूज आते आते ही वीडियो वायरल हो गई थी बीच में। मेरा खुद का सीक्रेट मैंने चीज़ बता दिया। अब आप सबके मन में एक चीज़ डाउट ये भी हो रहा होगा कि जैसे हमेशा सब कोई सोचते हैं कि अच्छा कैमरा का क्वालिटी होगा, अच्छा ऑडियो क्वालिटी होगा तो मेरा वीडियो जल्दी वायरल होगा। ये भी चीज़ आप लोग गलत है, आप लोगों को मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। गाइज मैं बताना चाहूँगा, कॉन्टेंट इज किंग, ये डायलॉग आप लोग सुने होंगे, कॉन्टेंट इज किंग, क्वालिटी इज किंग कभी नहीं हो सकता, कॉन्टेंट इज हमेशा किंग है, ठीक है। कॉन्टेंट अगर आपका अच्छा रहेगा, आपका ऑडियो क्वालिटी अगर मीडियम है बेसिक सा, आपका वीडियो क्वालिटी मीडियम है, फिर भी आपका वीडियो वायरल हो जाता है। आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो आप लोग ये वीडियो देखो। मैं मनोज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे यूट्यूब पे अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। वायरल का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आपका वीडियो अगर आप किसी टॉपिक पर बनाए हो और अगर वो सर्च रिजल्ट में आ जाता है, मतलब कि कोई उस वीडियो टॉपिक को सर्च करता है, आपका वीडियो जो है फर्स्ट पेज पर अगर आ जाता है, तो उसका मतलब यही होता है कि आप... So guys, अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा वो वीडियो मैं सीढ़ी के जब कोने पे बनाता था उस टाइम वो वाला वीडियो है, और वहां पर मैं बोया वाला माइक खरीद चुका था मैं उस टाइम, लेकिन बोया माइक सपोर्ट ही नहीं करता था मेरे फोन पे। मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि बोया माइक को सपोर्ट करवाने के लिए ओपन कैमरा की यूज करना पड़ता है, और मैं 6 महीने तक वीडियो ऐसे ही बनाया और मैं खुश रहता था कि मेरा माइक काम कर रहा, लेकिन उस टाइम माइक मेरा वर्क करता ही नहीं था। वो कैमरे का जो सॉरी फोन का जो बाय डिफॉल्ट माइक है उसी माइक से रिकॉर्ड होता था, और मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहता था कि मेरा माइक वर्क कर रहा है, ठीक है, लेकिन माइक वर्क ही नहीं करता था। आप लोगों ने ऑडियो पे देखा कितना ज़्यादा एको था, और बैकग्राउंड देखा आप लोगों कैसा ब्लू टाइप का दिख रहा है, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है, फ़ोन की कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी वीडियो पे व्यूज़ आपने देखा कितना है, और व्यूज़ फिर भी आते थे, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वालिटी, कॉन्टेंट इज किंग, क्वालिटी मैटर नहीं करता। हाँ मैटर करता है, अभी के टाइम में करता है, लेकिन आप नॉर्मल सा एक अच्छा क्वालिटी बना सकते हो। एक सिंपल सा माइक खरीद लो, जो माइक मैं हमेशा बोलता हूँ बोया का माइक, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का माइक है। इस माइक का आप एक परचेस कर लो, चाहो तो ट्राइपॉड खरीद सकते हो, ट्राइपॉड नहीं है तो आप कहीं भी फ़ोन को टिका करके वीडियो बना सकते हो। मेरे पास भी बहुत लॉन्ग समय तक ट्राइपॉड नहीं था, मैं वहाँ सीढ़ी पर ही ऊपर पर रख देता था, नीचे बैठ जाता था, ज़मीन पर बैठ करके वीडियो बना लेता था,
ट्राइपॉड था ही नहीं मेरे पास और ख़रीदने का उतना पैसे भी नहीं होते थे। तो ट्राइपॉड भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहो, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो एक ट्राइपॉड छोटा सा ले लो और आपका स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, आप उसी से अपने वीडियोज़ को बना सकते हो। और एक बार ये ट्रिक आजमा के देखना जो मैंने बताया कि अपने वीडियोज़ को कहीं भी शेयर मत करना, ठीक है। खुद से ही अपने वीडियोज़ को अलग अलग जीमेल से 10-15 बार फुल वॉच कर लेना, 20-25 बार कर लेना अगर हो सके तो, टाइम है तो, और उसको छोड़ देना। और आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, आप लोग आजमा के देखना कि खुद से उस वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं। मैं ये चीज़ पहले भी शायद से एक वीडियो में बताया था कि यूट्यूब पे खुद से व्यूज आते हैं, खुद से आते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका नोटिस करना कि आपका वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा हो, कॉन्टेंट अच्छा हो, कॉन्टेंट इज किंग, मैंने हमेशा ये बोला पीछे भी। वीडियो अगर अच्छा होगा तो ज़रूर चलेगा। मैं बताना चाहूँगा मेरे सेकेंड नंबर का वीडियो ही मैंने जब खुद से 10-15 बार देखा, सेकेंड नंबर का वीडियो पे 200+ व्यूज़ हो गए थे एक सप्ताह में। ये क्यों हुआ था? क्योंकि दोस्तों उस टाइम एक न्यूज़ आई थी कि सलमान खान जो है वो एक स्मार्टफोन बनाने वाले हैं, बिंग ह्यूमन का नाम से स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। उस टाइम एक न्यूज़ आया था और मैंने उस न्यूज़ को कवर कर दिया था क्योंकि वो टैक्स रिलेटेड न्यूज़ था, तो मैंने उस पर वीडियो बना दिया 4 मिनट का कि सलमान खान जो है न्यू ब्रांड एक लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है बिंग ह्यूमन, उस नाम से स्मार्टफोन्स आएंगे और वो स्मार्टफोन्स बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा। तो इस तरह से एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने खुद से 10-15 बार उस वीडियो को देख लिया, फिर छोड़ दिया, रात में सो गया, सुबह उठकर देख रहा हूँ कि 100+ व्यूज़ ऐसे ही आ गए हैं और एक सप्ते में 200+ व्यूज़ हो गए। तो इस तरह से खुद से ही व्यूज आ जाते थे। तो गाइज इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आप लोगों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता था और मैं क्या करता था। ये एक ट्रिक था और मेरे दिमाग में आया था तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से शेयर करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना। चलेगा आज की इस वीडियो पर इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इस प्रोसेस पे काम करिए तो, और बिल्कुल होप मत छोड़िएगा क्योंकि किसी भी चीज़ पे स्टार्टिंग करने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है। आप अपनी बिल्कुल होप मत छोड़िए, उसी तरह से काम करिए जिस तरह से आप अभी तक करते आए हैं, थोड़ी उम्मीद बना के रखिए। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपकी वीडियोज़ भी वायरल होंगी।